हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। हम लोग खाना वगैरह खा के हो गए, दोनों फ्री। ये वाला कैमरा एंगल ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला कैमरा एंगल ज़्यादा अच्छा है? मेरे को लग रहा ये होगा शायद, मुझे देख के पता लगेगा भाई। अदरवाइज ऐसे या फिर ऐसे, आई गेस ऐसे ठीक रहेगा। दिख रही हूँ मैं? मुझे चेक करने दो कहीं। हाँ, दिख रही हूँ सही है। क्योंकि मैं कल रात को जब वीडियो एडिट कर रही थी ना, मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे कर लेती हूँ, तो फिर फेस तो अभी सी बातें दिखता ही है। और ये हाथ में नेल पेंट है, अभी रोहित लगा के देगा। लगा तो मैं खुद लूँगी, बट उसने बोला मैं लगा के दूँगा, तो मैंने कहा ओके। सो उसका वेट करते हैं, तब तक मैं हीटर सेकती हूँ। मैं नहा धो के हूँ फ्री, और मेरे को भी थोड़ी देर पढ़ने के लिए है। फिर उसके बाद रोहित जा रहा बाजार मार्केट कुछ काम के लिए। सो रोहित आता तो मिलवाते हैं उससे, ठीक है? पीछे से थूमी बनाने देती। गाइस रोहित आ गया है, और ये अभी बाहर गया था तो चल। ठंड लगी थी मेरे को, ठंडी लगी थी, तो अब हम बनाएंगे, लगाएंगे, बनाएंगे। तो मैं आज बहुत खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ कि सरकार आ रही है। आज ना रिजल्ट आने वाला है वोटिंग का। सो मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, ना मेरे को कोई फर्क पड़ता है। लिटरली रोहित जी हमारे बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्साइटेड है। सुबह आई थिंक 7-8 बजे से लगा ही हुआ है भाई, देखने लगा ही हुआ है क्या हो रहा है ये वो। लेकिन वोट दिया ही नहीं, वोट किसी को दिया ही नहीं। इवन ये फोन कर करके पूछ रहा भाई क्या है ये है वो है। लड़के बहुत ज्यादा वो होते हैं, खतरनाक लगेगा पता हमारे यहाँ पे कौन है। मेरे को तो लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। इस बार तो बहुत मजा आएगा, चलो हम अपना काम करते। तो गाइस मैं लक्ष्य के हाथ में मेहंदी लगाने वाला हूँ। मेहंदी लगाने वाला हूँ, मेहंदी लगाने वाला हूँ। टोन इज नॉट गुड। ले बैटरी हो गई डाउन। इसको किसके पास दिखाऊं? डॉक्टर के पास। मेरा मन से कैसे लगा रहा यार, अच्छे से लगा। क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। अभी के बाद मैं रोहित को भगा दूंगी ऐसे, ताकि मैं थोड़ी देर अच्छे से स्टडी करूं, और रोहित भी स्टडी कर लेगा थोड़ी देर बाद शाम को। और आज का रोहित का काम है सारा खाना वगैरह बनाना, मेरा काम था सुबह। ठीक है ठीक है, मैं बनाऊंगा, फिर इतनी हेल्प तो कर सकता हूँ। देखो गाइस मैं मेहंदी लगा रहा हूँ अपनी वाइफ के हाथों में, सुंदर सुंदर। बिल्कुल मेरी मम्मी की डुप्लीकेट कॉपी है यार, तू वो भी याद ही करती है। देखो गाइस आई लव यू गाइस। देखो नहीं तूने शूट ही नहीं कर रही है। बोल बोल, तेरी कसम कर रही हूँ शूट बोल। तो गाइस अगर आपको भी मेहंदी लगानी हो तो रोहित मेहंदी वाले नंबर दे दूंगा। रोहित मेहंदी वाले भैया से कॉन्टेक्ट करे प्लीज। वाइफ हो तो ऐसी लक्षु की तरह, जो अपने पति को भाई सब कुछ मानती है। मेहंदी वाले भैया बहन माने की माँ बाप सब कुछ। तू ही है यार मेरा सब कुछ, तू ही है आज से। You are also my you are you know English coming very fast. गाइस पहले हम फटाफट से लगा लेते हैं ना। हेलो गाइस, तो हमने फाइनली मेहंदी लगा दी है। तो प्लीज यार चुप हो जा तू। गाइस डग गई मेहंदी बाय रोहित शर्मा। और तो और मैंने मेहंदी अच्छे से लगाई, लेकिन ये बोलने नहीं दे रही है मेरे को। बोलो। यू नो लेडीज पॉप इज वेरी खतरनाक। मैं डाल दूंगी ब्लॉग में, फिर मैं तो बोलियो कि तेरी बेइज्जती होगी। मेरी बेइज्जती नहीं होती है, पता है फैन बन जाएंगे मेरे सब। यू नो चलो गाइस हम लोग थोड़ी देर हीटर वगैरह सेकते हैं, फिर उसके बाद इसको दौड़ाते हैं इधर से, ठीक है? गाइस इसने स्टडी करनी है ना, नहीं तो मैं इसको बीच बीच में तंग करता रहता हूँ। तंग करके मतलब यू नो क्या बोलूँ मैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस अभी बज रहे 2:30, और रात को मैंने 12:30 या 1 बजे के आसपास भेज दिया था। सो 3 बजने वाले हैं, 3 बजे तक वो भी आ जाएगा। इतना बड़ा गिलास, 2 गिलास मैंने ख़त्म कर दिए पानी के पी के।
जब तक वो आ जाएगा फिर मेरा स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आराम से बैठ के फिर काम करने को होता, पहले स्टडी कंप्लीट फिर उसके बाद सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो टेंशन दिमाग में मेरे बनी रहेगी भाई वो करना रह गया मेरे को, तो उससे अच्छा बेटर है कि पहले वो कर लो फिर सारे काम हो जाएंगे। सो जब रोहित आएगा तो फिर आप लोगों से मिलवाते हैं। गाइस रोहित आ गया है और यहाँ देखो उसने क्या चीज़ लिया, एक छोटू छोटू से संतरे, या एक अंकल है यहाँ पे उन्होंने दिया रोहित को, और ये इतना क्यूट संतरा है ना, लग ही नहीं रहा, मतलब खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा, क्यूटी जैसा मतलब, बट खा के देखते हैं ज़रा कैसा है ये। ओ भाई ऊपर से ये पका हुआ संतरा, ये ना मतलब इतने से ही होता है संतरा, रुक मैं छीलती हूँ पहले। गाइस ये कुछ ऐसा हो रही है, ओ भाई इतना खट्टा है ना, ओ मम्मा इट्स टू फॉर, मैं तुझे तो आया इसको तो मैंने एक उसमें निगल ही लिया, मेरे से निकाल हो रहा है ये छोटा पैकेट, बड़ा धमाका काइंड ऑफ थिंग है ये। गाइस मेरे को इतनी ज़्यादा जोरों की भूख लग गई थी ना भाई घर से, और रोहित आया फिर इसने ब्रंच बनाई अभी अभी, और अभी हम ब्रंच खाएंगे, जस्ट अभी लेके आता होगा, जस्ट अभी बनी, अब हम खाएंगे। भाई इतनी ज़्यादा भूख लग गई ना, क्योंकि सुबह हमने परांठे खाए थे तो उनसे कुछ हमारा हुआ नहीं, मतलब हो गया था सुबह, बट अब तो 3 बजे, 3 बजे तो अब बेसी बात भूख खाई जाए। अरे रोहित भी आने वाला है, आने वाला है। तो गाइस रोहित भी आ गया है, जिसने मेरे लिए अच्छे से प्यार से खाना बनाया, खाना बनाया मेरा पहला प्यार खाना। क्या करा? So guys, अभी हम खाना खाने वाले हैं, मैंने पुलाव बनाया था लक्ष्मी के लिए, तो अभी हम मतलब थोड़ी देर में खाने वाले हैं, कुछ टाइम वेट करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है, गर्म गर्म नहीं खाया जाता, तो अभी हम बैठे हैं, ठंड का मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है, खाना दो। ये जल्दी जल्दी से व्लॉग बनाती है, हम ऐसा करें वैसा करें, आराम से मैं बोलता हूँ कि आराम से व्लॉग बनाना चाहिए तभी कुछ मजा आता है व्लॉग बनाने में। तो गाइस आज बहुत दिन के बाद मैं खुद व्लॉग बना रहा हूँ, आज पता नहीं मूड ही बन गया है व्लॉग बनाने का। तब जाके तो लक्ष्मी आज स्टडी कर रही थी, मैं मार्केट गया था घूमने, मैं स्टडी करती तभी तो खाना मिलेगा मेरे को, भूख आ गया, काम था वो हुआ भी नहीं जैसा मैंने सोचा था, कुछ काम था तो आज मैं कहीं गया था बैठने, तो फिर अभी जैसे पहुंचा तो मिलते हैं शाम को कुछ देर बाद, तो अभी शाम हम को नहीं, अभी थोड़ी देर बाद है, अभी जस्ट 3:30 बज चुके हैं, तो हम शाम को जब खाना बनाएंगे तब थोड़ा आपके साथ हम नहीं बात करेंगे। Here is my chef. मैं आज हम छली की रोटी सरसों का साग बनाएंगे, सरसों का साग नहीं पालक होना शायद है ना, वो छली की रोटी कौन दे रहा है, वो आंटी आएगी, वो आंटी बनाएंगे, एक आंटी है इधर वो बनाएंगे, तो मिलते हैं बाद में, बाय। खाना हो गया तैयार मेरा ब्रंच, और अब हम इसको कहाँ जा रहे हैं। सो कल हमने जो घी बनाया था ना, क्या घी था बाय गॉड, से प्योर घर वाली फीलिंग, मतलब इतना टेस्टी घी मैंने जितनी में नहीं खाया घर के अलावा, और यहाँ पे मिल रहा है खाने के लिए, मतलब सो गाइस मेरे को बनाना भी साग, और सबसे मेन बात पता क्या है, बिना प्याज के और लहसुन के, ठीक है, टमाटर तो ऐसे भी नहीं डालता है, हल्दी भी नहीं डलती है शायद, सिर्फ और सिर्फ धनिया, एक और चीज़ है कुछ बताते हैं को, ये जो चीज़ है ना इसके साथ और इसके साथ नमक, ये सब इतना सही डलेगा,
अब सोच लो कैसा रेसिपी बनेगा, देखना पड़ेगा। एंड मैंने साग ग्राइंड कर लिया बिकॉज तभी अच्छा लगेगा। तेल डाल दिया है, इसको मैं कूटती हूँ। ठीक है, तो गाइस मेरा सरसों का साग तो नहीं, ये पालक का जो भी है, पालक की सब्जी होगी तैयार। और इतनी सही है ना, भी खा के पता चलेगा बाकी तो कितनी सही है, पर दिख तो अच्छी रही है। मतलब नमक मिर्च हल्दी का, बट इसके साथ अगर मक्की की रोटी होती ना तो कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का हो जाएगा। मक्की का आटा है तो बाहर, अब लगेगा पता किस पे बनाएंगे हम लोग। बाकी आंटी को आने देते, फिर देखते हैं क्या करते हैं। गाइज मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल ही रही थी कि हमने साग के साथ खानी थी मक्की की रोटी एंड सी आ रही हूँ मैं। चलो, मेरे पास होपफुली रोहित है जो कि बता सकता कैसी बनी है सब्जी, कैसी बनी, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई सिर्फ। बहुत ही मज़ा आ गया, लगता है मैं 5-6 साल पहले पीछे चला गया। मक्की की रोटी ना मतलब इतना ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल फूड है ना भाई, बाई गॉड से हिमाचल का ही है तो पहाड़ों का बेसिकली, पूरे हिमाचल में भी कहाँ खाते होंगे यार। खाते हैं, नहीं भी खाते होंगे। वैसे तो खाते ही है मैक्सिमम हर जगह। ऐसा रख लो कि 100% रख लो आप, 10% ही होंगे, कोई गिने चुने। पंजाब, हिमाचल में, उत्तराखंड, न्यू जनरेशन तो पसंद ही नहीं करती सबसे मेन बात, मैक्सिमम। तो हम पहले खाना वगैरह टेस्ट करके बताते हैं हम लोगों को। अल्टीमेट मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब जो हमारा पुराना घर था, जो मेरे दादू का घर था, मेरा घर, मैं को भी डाल गई, मतलब वहाँ से वहाँ पर हमने खाई थी, वैसा टेस्ट लग रहा है अभी। जी चपाती है, चपाती नहीं, मिस मक्की की जो रोटी ना एक आंटी है उन्होंने वहाँ को बना के दिए। मेरा थोड़ा देख के तो लगता है कि मैं ऐसी रोटी कहाँ ही बनाती होगी। सीख रही हूँ मंगवाती है, बट वो टूट जाती है, दरारें बढ़ जाती है उसमें ना। पापा ने बताई थी एक टाइम पे, पता नहीं कौन सा टाइम था वो, पर मेरे पापा बना रहे थे मस्त रोटी ना, बताएंगे कभी आप लोगों को। तो पहले फूड इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। सो गाइस, होटल के खाने से मतलब जो ये हमारा खाना है ना घर वाला, मैं बोल नहीं सकता। ओ भाई इतना टेस्टी है ना, हाँ लग रहा है ना घी टेस्टी। घी तो टेस्टी होता है, ये वाला घी गाइस मोटे ही टेस्टी भाई, क्या ही बोलूं मैं। मुझे अपने पुराने घर की याद आ रही है। छली की रोटी सरसों का साग, अगर इस मक्की की रोटी के साथ ना अगर जोड़ होता, जोड़ मीन्स लस्सी है, कड़ी है, प्लेन कड़ी होती विदाउट कुछ डाले, वो भाई आनंदी। लड़की सीख गई हिंदी बोलना, आनंद। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। गाइस हम लोग खाना वगैरह खा के हो गए फ्री, और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। और आई होप इंजॉइंग द ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।